फ्लावर्स। रिसाइकलिंग की अपनी इस कड़ी में आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पूजा करने के बाद हम अपने उस पूजा सामग्री को किस बुरी तरह से पेड़ के नीचे रोड साइड पे फेंक देते हैं। ये देखिए अगरबत्ती है, मटकी, ये देखिए दिया, ये भगवान की मूर्ति, और बीच बीच में ये माता की चुन्नी वगैरह भी है। अब मैं आपको ये देखिए यहाँ भी है, ये देखिए, अब मैं आपको इन चीज़ों को फेंकने की बजाय इसे रिसाइकल करके आप अपने घर में यूज के लायक चीज़ बना लें या फिर डेकोरेटिव आइटम्स बना लें। ये देखिए चुन्नी, मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो डालूंगी। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको रोड साइड पे पूजा सामग्री फेंका हुआ दिखाया था और साथ में ये भी वादा किया था कि मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगी और आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों को, जो पूजा सामग्री है जिसको कि हम रोड साइड पे फेंकते हैं, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूजा के लिए लेके आते हैं एक मटकी, जो या तो इस साइज़ का होता है या इस साइज़ का होता है। हम लाते हैं दिए, हम लाते हैं भगवान जी के वस्त्र, जो चुन्नी होता है माता का, बहुत छोटा सा चुन्नी है, पीला या लाल वस्त्र बिछावन के लिए जो हम लाते हैं, 1.25 मीटर कपड़े होते हैं, और माता की चुन्नी, ये अलग अलग तरह की चुन्नियाँ हैं जिसको कि मैंने कोशिश की है कि कुछ सैंपल्स आपको दिखा सकूं कि ये कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए मटकी है, बहुत लोग थोड़ी कलश के लिए थोड़ी बड़ी मटकी लाते हैं, तो ये पहले हमने एक बड़ी मटकी खरीदा था, तो उसको हमने पेंट करके इस तरह से इसके अंदर पौधा लगा दिया है। देखिए बस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कि इसको बस जैसा भी आप पेंट करना चाहती हैं, आप इसमें ऐसे ये नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते, सिंपल डॉट्स डाल दीजिए, पोल्का डॉट जो होता है गोल 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 गोल, उससे भी बहुत खूबसूरत लगता है। पानी डालिए और ये लगा दीजिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए होता है इसे। ये देखिए हमने अभी इसमें छोटा सा एलोवेरा लगाया है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है इसलिए अभी ये बहुत ग्रो नहीं किया। ये देखिए हमने इसको पेंटिंग करके ये हमारा बड़ा दिया, जिसमें हमने कैक्टस लगाया है, और कैक्टस में भी बहुत ज़्यादा पानी की या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये दूसरा मेरा दिया है बड़ा वाला, जिसमें कि मैंने पेंटिंग करके और उसमें कैक्टस लगाया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और रोड साइड पर फेंक के हम इसे कितना असम्मानित करते हैं, जिस चीज़ की हम पूजा करते हैं उसको रोड साइड पे फेंक देते हैं, असम्मानित भी करते हैं और पोल्यूशन भी फैलाते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अगली बनाते हैं। ये देखिए ये जो हम चुन्नी लेते हैं माता की चुन्नी, मेरे यहाँ मूर्तियाँ बहुत छोटी है तो मैं छोटी चुन्नी लेती हूँ, तो छोटी चुन्नी से हम कैसे क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक ये बनाया है, ये देखिए इसके अंदर हमने अभी तो हमने पिन लगाया है, और इसको हम जब हमारे घर में कोई आता है तो हम पैसे देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो बस सिंपल सा मैंने बीच से काट दिया, इसको स्टिच कर दिया और ये एक ऐसे बना दिया। इसमें चाहो तो गोल्डन कलर का छोटा सा सेफ्टी पिन लगा के और ऐसे करके आप किसी को इसमें सामान भर के ऐसे दे सकते हो। ये दूसरा चुन्नी मेरा थोड़ा थिक फैब्रिक था तो मैंने उसको पर्स की तरह बना दिया है, ये देखिए ये, और इसमें मेरी राखी मैंने रखा हुआ था। मैं राखी भी नहीं फेंकती क्योंकि ये बड़ा ही प्रेम का प्रतीक होता है, भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक, उसे कभी भी नहीं फेंकती, तो उसे हमेशा मैं किसी न किसी चीज़ में डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है उसके क्राफ्ट में यूज़ होता है, बट अब मैं ऐसा नहीं कर पाती इसलिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, सिंपली इसको मैंने स्टिच कर दिया, इसमें जो मौली था
मौली की स्ट्रिंग डाल दिया मैंने और सिंपली मैंने इस तरह से इसको, ये देखिए सिंपली किसी को पैसा देना है कुछ देना है इसमें डालो और ये पोटली की तरह ये दे दो। ये एक और है जिसमें हमने भगवान जी का माला, जो पुराना माला होता है उसको ऐसे लटकन की तरह बीच से काट के मैंने वही बो दिया बीच में और उसको लटकन की तरह इस्तेमाल किया है। वो डबल फैब्रिक में था, ये सिंगल फैब्रिक में है। ये देखिए ये सिंगल फैब्रिक में मैंने बनाया है। ये येलो एंड रेड मिक्स करके हमने इसमें थोड़ा सा लेस लगाया और थोड़ा और अच्छा सा बना लिया है। ये देखिए इसको भी हमने ये ऐसे कोई डब्बा डाल के देना है, किसी को अंगूठी है या कुछ भी है तो हम ऐसे बना के रख सकते हैं। और ये गिफ्ट का डब्बा इसके अंदर डाला और इसे खींच कर इसे दे दिया। ये सिक्के का छोटा सा क्वाइन का जो डब्बा होता है जो हमें, ये देखिए इसकी तरफ से ये देखिए ये पूरा खुलता है अच्छे से, ये पूरा खुल गया और ये हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम लेते हैं तो लेते समय ही ध्यान देकर कुछ अच्छा फैब्रिक ले लेते हैं, तो मैंने उस फैब्रिक से ऐसा कुछ बनाया है। ये देखिए ये हमारे पास तीन पाउच, इसके एक चुनी से हमने तीन पाउच निकाला है और एक ये तीसरा नंबर वन, नंबर टू एंड ये नंबर थ्री। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। आप इस तरह से अपने सामान को, पूजा सामग्री को फेंकने की बजाय आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है नारियल, तो नारियल तो हम फोड़ते हैं और खा लेते हैं, लेकिन उसका जो छिलका होता है उसको हम दो तीन दिन धूप में सुखा लें और धूप में सुखाने के बाद उसको हाथ से ऐसे से क्रश कर दें और मिट्टी में डाल दें, तो ये बड़ा अच्छा एक मिट्टी के अंदर कंपोस्टिंग की तरह भी काम करता है और पानी को रोकने के लिए इसको मिट्टी में मिलाते हैं ताकि ऐसा कोई प्लांट जिसमें नमी चाहिए होती है, तो वो कोकोपीट जिसको कहते हैं, तो हम मिट्टी में एज अ कोकोपीट घर में बना के उसको कर सकते हैं। हैंगिंग गमले में नीचे में एज अ बेस आप डाल सकते हो उसको, नारियल के छिलके को। तो नारियल हो गया, मटकी हो गई, भगवान जी का बिस्तरा हो गया, भगवान जी की चुन्नी हो गई और ये बड़े बड़े दिए हो गए। और मैं छोटे दिए का भी आपको इस्तेमाल बताऊँगी कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे कि हमने दियों को जोड़कर टॉय और टेबल लैंप वगैरह बनाया है, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो आपको डाल के दिखाऊंगी।